नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DRK TV पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति स्टूडेंट, साइकोलॉजी एक्सपर्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, दरअसल मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कि वो बहुत दिनों से वो एक ही प्रकार के विचारों से ग्रसित होता जा रहा है। उसके दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही है। वो अभी कॉलेज के अंदर स्टडीज कर रहा है और कुछ बातें हैं जो उसके मन के अंदर चुभ गई है, उसके दिमाग में सेट हो गई है। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो कॉन्सेंट्रेट करे, पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। उसने ये प्रश्न किया है कि मैं कोशिश कर चुका हूँ इन सब चीज़ों को रोकने की, बट ये सब नहीं रुक पा रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बनाया है। दरअसल दोस्तों, जब भी हम जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो हमारा ब्रेन एकदम शांत रहता है। और जब हम शांत होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, और शांति में हम किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। और जब हम किसी चीज़ पर ध्यान अच्छा लगा पाते हैं तो हमारी याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जिस पर ध्यान लगाए वो चीज़ हमारे दिमाग में भी उतनी ही अच्छे से जाती है। जब हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जो प्रिडिक्शंस है, रिजल्ट्स है, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। तो हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है कि हाँ, हम उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखे हैं, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हमें सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है, जब सेंस ऑफ यूनाइटेडनेस फील होता है, जब सेंस ऑफ कनेक्शन फील हो रहा हो, तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, उमंग महसूस होती है, उत्साह महसूस होता है, उस कार्य को करने में बड़ा बड़ा आनंद सा महसूस होता है। ये तो तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। लेकिन इसके एक अपोजिट स्टेट है, वो है कन्फ्यूजन की स्टेट। हम लाइफ में कभी भी शंका महसूस कर रहे हो, कभी भी हम कन्फ्यूज्ड हो, तो हम बहुत ज़्यादा उस जगह पर हेल्पलेस फील करते हैं कि हम बहुत लंबे समय से उस काम को करना चाह रहे थे पर हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे। और जब हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं तो अब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करते हैं। जैसे अंधेरे के अंदर हम कोशिश करते हैं हम आगे बढ़े अच्छे से, पर हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती कि कहीं किसी जगह पर मैंने कदम रखा और वहाँ पे कुछ मेरे साथ खराब घटित ना हो जाए। और जब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो तब हमें बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। और जब बहुत ज़्यादा घबराहट हो तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचारों का प्रवाह शुरू होता है जिसको हम नहीं रोक पाते। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो आपको शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए। अब बड़ा आपका मन आपके कंट्रोल में है, पर जैसे ही आपको शेर के पिंजरे में डाल दिया, अब आपको घबराहट लगनी शुरू हो गई। अब आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि अच्छा, ये शेर मेरे पास आएगा, ये मेरे पाँव को खाएगा, ये मेरे हाथ को खाएगा, अच्छा मैं तो मर जाऊँगा, अच्छा मैंने जो अब तक जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी हासिल किया, वो तो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। ये सारे विचार हमारे दिमाग में चलने लग जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम इनसिक्योर फील करते हैं, जब भी घबराहट होती है, हमारे दिमाग में ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस ओवरथिंकिंग की वजह से हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो पहले से प्रीऑक्यूपाइड है। जब दिमाग पूरा अपने अंदर ही ऑक्यूपाइड है तो वो किसी और चीज़ पर नहीं लग पाता। और जब हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जा ही नहीं रही। और जब जा ही नहीं रही तो हमारी याददाश्त भी कम हो गई, हमारी फॉरगेटफुलनेस बढ़ने लगी, चीज़ें हमें उतनी अच्छे से याद नहीं रहती। हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हमारा दिमाग के अंदर ओवरथिंकिंग की वजह से हम लोगों के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते, हम वहाँ पर अकेला सा महसूस करने लग जाते हैं। वो सब बातें कर रहे होते हैं लेकिन हम अपने आप को उनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे होते। उनके शब्द हम सुन रहे हैं लेकिन उन शब्दों के जो मीनिंग है वो हमारे दिमाग के अंदर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे होते। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम लोगों से कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस सी पैदा होती है, अकेलापन सा पैदा होता है। और उस अकेलेपन के कारण बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक चिड़चिड़ापन सा पैदा होता है। लोगों की छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे दिल के अंदर चुभने लग जाती है, मन के अंदर ठहरने लग जाती है, दिमाग के अंदर रुकने लग जाती है। हम चाहकर भी उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा होता है। और जो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर हमें सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं फील हो पा रहा। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग से रिलेटेड थॉट्स तो हमारे दिमाग में चल ही नहीं रहे। हमारे दिमाग में तो
अपने ही इनसिक्योर थॉट्स है वो चले जा रहे हैं, सराउंडिंग से रिलेटेड थॉट्स नहीं चल रहे, सराउंडिंग और हमारे ब्रेन के अंदर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा। और जब ये रेजोनेंस नहीं हो पा रहा तो हम फिजिकली तो सिचुएशंस के करीब होते हैं बट मेंटली हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब मेंटल डिस्टेंस बढ़ जाती है तो सराउंडिंग के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर फीलिंग्स क्रिएट नहीं करती, तो हमारा उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है, हमारी उमंग कम हो जाती है, हमारी खुशी कम हो जाती है, मन हर वक्त उदास सा रहने लग जाता है और दिमाग पूरी तरह से नकारात्मकता से गिर जाता है। दोस्तों ये तब होता है जब हम किसी भी चीज़ के अंदर कन्फ्यूज्ड होते हैं, कन्फ्यूजन हमारे ऊपर हावी होता है। दरअसल दोस्तों ये कन्फ्यूजन इस तरह से हावी होता है कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। तो ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, दरअसल इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे दोस्तों मैं गाड़ी लेकर, मैंने प्लान किया कि मैं जयपुर ड्राइव करते हुए जाऊंगा। जैसे ही मैं सड़क पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक मैंने मेरे पास में रोड पर देखा कि एक कार का बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और उसका ड्राइवर वहीं पे एक्सपायर हो गया। जैसे ही मैंने उसको देखा, मेरा जो गाड़ी को चलाने का जो कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस को इस चीज ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। मेरे मन में यूं आया कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, और मैंने जैसे ही उस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मेरा जो गाड़ी चलाने का जो कॉन्फिडेंस है वो फ्रेजाइल हो गया। अब मैं सड़क पे चलते हुए बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूं, मेरे दिमाग में हर वक्त वही चीज चल रही है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया, जबकि मैं यहां पे ये नहीं सोच रहा कि मेरा एक्सीडेंट क्यों होगा। जब मैं बहुत अच्छी ड्राइव कर रहा हूं, मैं जो भी सामने से गाड़ियां आ रही है उनसे अच्छे से बच के निकल सकता हूं, मैं बहुत सिक्योर, मैंने पहले भी बहुत बार इस तरह से अच्छे से ड्राइव किया है, और जब मैं सारे लॉज का, सारे नियमों का पालन करते हुए अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा और अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लूंगा तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, ये चीज मैं नहीं सोच रहा। और मैं यही सोच रहा हूं कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। और जैसे ही आप मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ, मेरे मन में कन्फ्यूजन आ गया कि मैं जयपुर पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मुझे अस्पताल कौन पहुंचाएगा, कहीं बीच में ही गाड़ी पिचक गई तो मैं तो वहीं खत्म हो जाऊंगा। और कन्फ्यूजन के बाद बाकी सारी चीजें आपके सामने, कन्फ्यूजन जैसे पैदा हुआ हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा असहाय, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है और हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, मेमोरी की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी मुद्दे के साथ ना जुड़े रहें, किसी भी बात के साथ ना अटके रहें और आप लगातार स्मूथली अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, तो अपने दिमाग पर कन्फ्यूजन को हावी मत होने दो, क्योंकि जो कंफ्यूज करने वाली जो थॉट्स है वो आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, वो आपसे संबंधित नहीं है, वो किसी और पर लागू हो रही है, बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो आप पर भी लागू होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।